अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो ये जी है संडे का व्लॉग, आज ही मैंने शूट किया है बहावलपुर में। जो है आज सुबह से ही बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ था, तो फ्राइडे की नाइट भी यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है जी। कैमरे पे मेरे बारिश पड़ गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रेनी डे जी। तो सुबह सुबह आज हो गई है बारिश बहावलपुर में, तो अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो हलवा पूरी का नाश्ता करना है, मौसम बहुत मज़े का हुआ है। तो चलो, वो बारिश हो रही है तो ठंडे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है हलवा पूरी बाहर से लेके आएंगे तो हॉट पॉट और उनको कोई बॉक्स देती हूँ जिसमें चने और हलवा पूरी वगैरह लेके आएंगे। ये ले जी, ये महत ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ हॉट पॉट है जी, इसमें आप कर लेना पूरियाँ और इसमें चने आ जाएंगे। महत चलो ये चने के लिए ले जो है, ठीक है, हलवा वो शॉपर में डाल देगा। हाँ जी, ठीक है, चलो लीजिए जी। आ गया है हमारा हलवा पूरी का नाश्ता। तो बहावलपुर में जो है हलवा पूरी के साथ जो है आलू की तारी बोलते हैं यहाँ पे कलौंची में, और इसको अचार भी डालते हैं इसके अंदर, बड़े मज़े की बनती है ये आलू की तारी। तो हलवा पूरी के साथ ये मिलती है, तो बड़ा टेस्टी सा हमने किया नाश्ता। और जी उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था हमने। तो आज हम बना रहे हैं फादर्स डे का केक, चलो बनाते हैं जी। मैं और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे, मैंने को बताया था ग्रॉसरी लेनी थी हमने कुछ इम्तियाज़ मॉल, तो पीछे से मैंने देखा कमरे में बलून लगाए हुए थे बच्चों ने, और उसके बाद जो है केक भी रेडी किया हुआ था ये खुद से, जो है इन्होंने वीडियो भी शूट किया, मैं तो बाद में वॉइस कर रही हूँ, वीडियो जो है वो भी खुद ही इन्होंने शूट की है। और पापा के लिए बनाया है जी बच्चों ने केक। अच्छा जी, अब देखिएगा किस तरह से खुद ही मेरा बेटा जाके लेके आया था, बता रहा था मम्मा मुझे वहाँ पे फादर डे के बलून नज़र नहीं आए तो मैंने बर्थडे वाले ले लिए। वैसे तो हम कहते हैं कि माँ और बाप का कोई डे नहीं होता है, और वाकई ऐसा ही है, माँ या बाप का कोई स्पेशल कोई डे नहीं होता। वालदैन की तो हम जितनी भी खिदमत करें, जितनी उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, कम है। और ये आपको जब पता चलता है जब आप खुद जो है एक पेरेंट्स बन जाते हो, मदर या फादर जब आप खुद बनते हो, तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि हमारे वालदैन ने हमारे लिए कितनी स्ट्रगल्स की होंगी। तो ये लेकिन फिर भी एक स्पेशल ऐसा कोई डे हम रखें तो कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अच्छा लगता है वालदैन के साथ। पिछले दिनों मैंने अपनी सास की, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत दूर है, लाहौर है, जाहिर सी बात है, तो मैं अपनी सास के लिए जो है मदर डे का केक लेके आई थी मेरे हस्बैंड और मैं जाके, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरी अम्मी को, मेरी सास को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दुआएं देनी थी वो हमें, हमें बुज़ुर्गों की दुआएं लेनी होती है किसी भी तरह, तो हमें वालदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। तो अल्लाह पाक खुश रखे हमारे वालदैन को, उनको लंबी ज़िंदगी दे। मेरे वालदैन जो है हयात हैं, तो अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली जो है लंबी ज़िंदगी दे तमाम पेरेंट्स को, तमाम वालदैन को। तो मैं देखती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे जो है ससुर की डेथ हुई है, तो काफ़ी परेशान होते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं, वो बड़े हैं जाहिर सी बात है, तीन भाई हैं ये, तो सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं। तो बड़ा बच्चा जो घर का होता है वो काफ़ी अटैच होता है अपने बाप से, तो हस्बैंड मेरे काफ़ी डिसार्ड हो जाते हैं, जाहिर सी बात याद आती होगी उनको अपने फादर की, अपने पापा की, तो काफ़ी नाइस पर्सन थे मेरे बच्चे, बहुत याद करते हैं क्योंकि वाकई बहुत प्यार करते थे वो बच्चों से, अपने बच्चों से। और अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, दुआ कीजिएगा मेरे ससुर के लिए। तो बाकी ये देखिए जी केक जो है मेरे बच्चे बना रहे हैं खुद से, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो बल्कि मैं तो देख के रोने लगी थी उन बच्चों को एक दफ़ा, कि अल्लाह ताला खुश रखे मेरे बच्चों को, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे मेरे बच्चों को, अल्लाह ताला सबके वालदैनों को जो है ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। इनका कोई नेमुल बदल नहीं है, वालदैन का जो है कोई नेमुल बदल नहीं है। तो बच्चों ने जो है मेरे पीछे से वीडियो जो शूट की हुई थी, और सबसे बड़ी बात जो है मेरे बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से ये जो है इस तरह से बाय की चीज़ें और ख़ुद से जो केक बनाया इस तरह से उन लगाए हुए। मेरे हस्बैंड बड़ा खुश हुए, इन्होंने देखा केक बनाया हुआ, तो मेरे बच्चों ने देखा अभी करेंगे टॉपिंग इसके ऊपर। तो ये है जी ब्रेड केक की फाइनल लुक फादर्स डे
का केक बना चुके हैं। वाओ, ये केक किसने बनाया? ये हम तीनों ने। वाओ, पिज़्ज़ा। चल लीजिए, हस्बैंड काटेंगे अब केक। जो आसान जो है केक देख के बहुत खुश हुए, तो बच्चों को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसके बाद आसान जो है सबसे पहले खिलाएंगे अम्मी को, अम्मी जो हमारे पास ही थी। और फिर हम सबको जी बच्चों ने बनाए हुए थे जी कार्ड, आयशा और ईमान ने। तो आई होप आपको जो है मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।